Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. Bye, 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 bye. Thank you, Dr. Saab. भाई मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ ये जो बोर्ड गया ना तो कपिल शर्मा शो का ऊपर कितना अच्छा लग रहा था वाह 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 मेरा क्या ऊपर गया भाई ये जो आपने ऊपर जूते वाला मुंह लगाया हुआ ना अपना उसको देख के बिल्कुल भी मजा नहीं आया वेरी टू ये पुटली में क्या डॉक्टर साहब ओह ये ना गहने हैं सोने के मेरी बेटी ने दिवाली पे पहने थे अब मैं उनको वापस बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा हूँ तुमको क्या पता अभी सोना क्या होता है ये ना पीली पीली एक चीज होती है जो चमकती है मुझे बिल्कुल नहीं पता वैसे सोने का हमें पता ही नहीं हमारे सारे डायमंड की चीजें हैं वाइट वाइट कब तक हम यूं ही आपस में लड़ते मरते रहेंगे सुनो मेरे पास ना एक स्कीम है तुमने नेट बैंकिंग के बारे में सुना हाँ वो नहीं है ये है सुरंग बैंकिंग बहुत स्कोप है सुरंग निकाल के बैंक लूटना पुलिस ने पकड़ लिया ना मार मार के आपकी सुरंग लाल कर दी ना उन्होंने सुनो पड़ोसी को पड़ोसी के काम आना चाहिए ये बात तुम समझ लो ये तो है डॉक्टर साहब छोटा सा काम था आपसे ये छोटे से काम में बड़ा सा मुक्का मारने की क्या जरूरत है थोड़े पैसे उधार चाहिए मेरे को हेलो पापा हेलो पापा पैसे पापा आवाज नहीं आ रही हेलो हाँ बेटी एक मिनट पापा मैं ऊपर हाँ बेटी आवाज नहीं आ रही हेलो पैसे बेटी मेरे को तेरी आवाज नहीं आ रही मैं ऊपर रह के तेरे से बात करता हूँ पापा पापा हाय कप्पू तुम्हें मदद चाहिए मुझसे बोलो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो इस शो में लड़की बनके पैसे क्यों नहीं कमाती क्यों भी पापा मैं आई अरे पापा मैं आई बदतमीज एक तो वैसे कहीं से पैसे नहीं मिल रहे ऊपर से कमीने पड़ोसी मेरे 20 30 40 ठीक है देखा भाजी इसको कहते हैं किस्मत पैसे की जरूरत थी और दोस्त आ गया वेरी गुड ये हो गया यार 5000 का नुकसान हो गया मेरा हाँ इतने सारे तो पैसे तेरे हाथ में काहे का नुकसान हो गया नहीं नहीं ये तो मैंने किसी को देने हैं ना तो 5000 कम दे देना मेरे को दे दो 5000 नहीं 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 यार तू मेरा बचपन का दोस्त नहीं ना 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 मैं तो पैदा भी वहां हुआ था ना जहां सवाल नहीं पैदा होता यार चंदू छोड़ दे पुरानी बातें यार नहीं 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 मेरा दोस्त है दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा मेरा मुंह तो भिगोने जैसा है ना नहीं 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 तूने पैसे नहीं देने बिल्कुल नहीं तेरा मुंह भिगोने जैसा नहीं तेरा मुंह डायपर जैसा है तेरा मुंह घिसी हुई चप्पल जैसा है थूकना भी नहीं मेरे को तेरे मुंह पे आ जाते हैं पाजी पैसे मांगने के लिए ऐसे पैसे ओए आज बकाया मिल गया ओह गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग ये सुबह सुबह दांतों क्यों वेस्ट कर रहे हैं दांत तो आपके साफ होने नहीं है नहीं नहीं मैं तो इसको तिखी कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी इंजेक्शन वाली जगह पे चुप हो सकूं मैं इसको सुन मुझे सुन हाँ जी ये चाय पिलाना मेरे को पहले पैसे पहले जूते पहले पैसे पैसे कंडक्टर आज तक मैंने तुमसे जब भी कुछ मांगा कुछ दिया नहीं तुमने और अब तुमसे जूते मांगे तो तुम्हारे भाग खुल गए बेसुरे डॉक्टर मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ चाय के अच्छा हाँ एक बार हाथ दिखा यार तुम्हारे हाथ में तो बहुत पैसा है ओहो अच्छी हाँ कितना पैसा है लिखा तो हुआ है साहब सारा सिद्धू साहब 350 रुपए कपूर 400 रुपए रमेश 500 रुपए सारा तो लिखा हुआ तुमने ओ डॉक्टर साहब ये तो वो हिसाब लिखा है जो मैंने लोगों से लेने हैं पैसे नहीं 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 भाई ओहो राहुल तुम्हारा ना सातवीं कुर्सी पे बैठा हुआ है और राहुल कुर्सी पर नहीं बैठता राहुल घर पे बैठता है अपनी औकात के हिसाब से बात कर घर कहाँ है तेरे पास है फालतू बात करना क्या ये बताइए करना तो फिर भाई बहुत मुश्किल है देखो राहुल इधर बैठा हुआ है घर ना होने की वजह से अपसेट है दूसरा हाथ दिखाओ इधर बैठा है कहतो इधर बैठा है राहुल राहुल को कहतो कि घर लाना पड़ेगा इसके लिए फ्लाइट लगेगी खर्चा आएगा 50,000 रुपया
50,000 is a lot, Dr. Sir. I told you in the flight business. In the economy, it will be 25,000, right? Let's ask the economy. No, Dr. Sir, 25,000 is a lot. By bus, 10,000? No, this is a lot. 5,000 rupees, auto. This is a lot. By walking, 1,000 rupees, Mama. Okay, okay, okay. This is my mind. 1,000 rupees, right? आपने मेरे साथ धोखा किया देखना आपके साथ ऊपर वाला बुरा करेगा जा रहा हूं मैं जा जा कबूतर देखो भाई इधर आके पैसे इधर आके गहने अब मैं इन दोनों को जाके ना घर पे रखता हूं शाम को बैंक में डिपॉजिट करा दूंगा पाप से धरती फटी अधर्म से आसमान अत्याचार से कांपी इंसानियत राज कर रहे हैवान जिनकी होगी ताकत अपूर्व जिनका होगा निशाना अभेद जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहलाएंगे त्रिदेव 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 मैं हूं बाबा बाबा ब्लैक शिप वाला बाबा नहीं बाबा कालीचरण मैंने सबकी मुरादें पूरी की हैं रजा की मुराद भी मैंने पूरी की उसके बाद वो रजा मुराद हुआ भिक्षाम दे भिक्षा दे बे और जाओ बाबा जाओ आगे बढ़ो पहले मेरा मूड बड़ा खराब है बहुत अच्छी बात है तुम्हारा मूड खराब है तुम्हारा मुंह भी खराब है दोनों मैच हो जाएंगे भिक्षाम दे ओ बाबा आप मुझे जानते नहीं हो मैं बता रहा हूँ आपको नानी ने तुम्हारे 6,000 रुपए देने सिद्धू जी ने 1,200 रमेश कुमार ने 1,300 टीचर ने 1,400 और हम कुछ जानते नहीं बाबा जी आपको ये सब कैसे पता तू गुटली खा आम गिनने से मतलब मत रख बाबा जी आपने कहावत गलत बोल दी है सही कहावत ये है कि तुम आम खाओ गुटली की तरफ क्यों देखते हो बेटे अपनी औकात के हिसाब से बात करो तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है वो खाओ और दबा जाओ यहाँ से बाबा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ ओहो मर्द भी उम्मीद से आने लगे ओहो तुम गलत जगह पे आए हो चलो हॉस्पिटल जाओ 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 ओहो बाबा जी आप बात क्यों नहीं समझ रहे मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ बड़ा आदमी बनना चाहते हो हाँ जी कितनी उम्र है तुम्हारी मेरी उम्र 30 साल तो 30 साल और रुक जा तू 60 का हो जाएगा बाबा मेरी बात सुनो तुम मुझे कोई ढोंगी बाबा लग रहे हो मूर्ख हम ढोंगी बाबा नहीं हम बहुत पहुंचे हुए हैं कल तुम इधर थे हम तुम्हारे घर पहुंचे हुए थे बाबा जी ये हाथ देखो खाली है खाली है चाय पिलाओ फिर हाँ चाय पिलाओ देखा बाबा ने चाय पी सारी केतली खाली मूर्ख हमें ढोंगी बता रहा है ये देख क्या है ये हाथ है वो भी खाली आंखें बंद करो अब आंखें खोलो बाबा जी अभी भी तो खाली है झोपड़ी के केतली देखो बाबा जी ये चमत्कार कैसे हो गया बाबा जी ये चमत्कार है अभी इस चाय को जाके बेचो धंधे में तरक्की होगी चलो दफा हो जाओ बाबा की जय हो बाबा की जय बाबा की जय हो हाँ हाँ बाबा जी की जय हो वाह बालिके बहुत अच्छे गहने पहने हैं तुमने अति सुंदर आपसे मतलब 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 मत करो मतलब ही औरत अभी जाके हम डॉक्टर को बता देंगे तुम उसकी बेटी के गहने पहन के जा रही हो आपको कैसे पता आप कौन हो हमें तो ये भी पता है तुम आईपीएल में एंकरिंग करती हो आईपीएल भी देखते हो हम तुम्हें देखते हैं मूर्ख आईपीएल हम क्यों देखेंगे एक्चुअली क्या है कि मैं ये पार्टी जा रही हूँ इसलिए मैंने पहन लिया मैं वापस दे दूंगी पता नहीं ना मेरे पास ऐसे वाली ज्वेलरी कब आएगा मेरे हाथ देख लो ओहो लड़कियों को भी हाथ ही देखने होते तो हम बाबा बनते मतलब मतलब बहुत करती मतलब भी औरत तुम्हारा हाथ बहुत खुश्क है ले लो हम तुम्हें थोड़ा सा तेल लगा देते हैं ये लो इधर लो फटाफट लाओ फटाफट
चलो 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 शाबाश मल्लो 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 फटे फटे ये बहुत ज्यादा है यार मैं वॉश कर रही हूँ खबरदार तेल वेस्ट किया इधर आओ इधर हमारे कंधे में बड़ा दर्द सुबह से आशीर्वाद दे दे के हाथ थक गए इधर थोड़ा सा गिव मी मसाज कम 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 एक्सक्यूज मी व्हाट आई सेड एक्सक्यूज मी मी टू व्हाटएवर फॉरएवर आई विल बी योर फॉरएवर आपको इंग्लिश भी आती है मुझे तो फ्रेंच भी आती है लेकिन फ्रेंच में दो ही चीजें आती हैं फ्रेंच दाढ़ी और फ्रेंच टोस्ट मुझे लगा कि आप किस बोलेगा ओ मुझे यही पता करना तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है किस ओ ये तो आपका हाँ क्यों ऐसा उठाकर ये ऐसे परमानेंट रहता है जैसे लड़कियों को ऐसे अगर तो पटकी तो हाय है नहीं तो यही से भाई तो आपको हमारी हाय पसंद आई सुनो मैं किसी और को लाइक करती हूँ तो मैं भी किसी और ही हूँ तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे मामा का बेटा हूँ मैं भी मुझे भी पराया समझो बाबा सुनो ना मेरा सपना भी है ना क्या मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती हूँ उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद चढ़ाना पड़ेगा इधर लाओ हाथ एक घंटे तक आशीर्वाद चढ़ जाएगा ये कैसे चढ़ सकते हैं ये चढ़ सकते हैं क्रेडिट चढ़ सकते हैं ग्लूकोज चढ़ सकता है तो आशीर्वाद क्यों नहीं चढ़ सकता है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से भारत तरक्की नहीं कर रहा भारत बीच में कहां से आया वाह मुगल भारत आ गए अंग्रेज भारत आ गए ओबामा भारत आ गया सब भारत आए भारत कहीं ना जाए लेकिन लेकिन कुछ नहीं भारत माता की जय अरे पापा क्या हुआ तुम पर आपत्ति आने वाली है सारे गहने उतार के हमारे थैले में डाल दो सच में आपत्ति आने वाली है ओ, 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 हुर, हुर, ये भी ये सब कुछ हाँ लॉटरी तुम वहां क्या कर रही हो इसको समझाओ कितनी देर से खड़ी कुछ कर ही नहीं जाओ अंदर जाओ ना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी एक तो ये एक डॉक्टर और उसकी सिरिंज जैसी बेटी के साथ मैं परेशान हो गई लॉटरी अंदर क्यों नहीं जा रही तुम कहा ना मैंने अंदर जाओ बाबा जी कहां आप इस नक्चड़ी के मुंह लग रहे हैं एक्सक्यूज मी क्या कहा तुम्हें इसने तुम्हें मां की गाली दी क्या मैंने कहा गाली दी मैं तो नक्चड़ी कहा सुन बे जिंगूर पले मैं पढ़ी कॉन्वेंट स्कूल में लेकिन गालियां ना सुलभ शौचालय वाली देती हूँ मैं तू भी कान खोल के सुन ले उठनी स्टूल पे खड़े होके ना तेरे अपर लिप से ऐसा मुक्का मारूंगी तेरी धुंडी टूट जाएगी धुंडी कैसे होती है जब सूझेगी ना तब पता चलेगा तू देख ए, ए, पापा, पापा। यार हमें भी मारो कोई कौन है बे कौन है कौन है बे तेरा बाप पापा है पापा नहीं आए मूर्ख हम बाबा हैं हम बहुत अंतर्यामी बाबा हैं अंतर्यामी हाँ बाबा जी मेरे बारे में प्लीज कुछ बताइए पापा तुम्हारे बारे में मैं गंदी गालियां देता अच्छा लगूंगा पापा पापा हाँ बेटे पापा गहने नहीं मिल रहे क्या गहने नहीं मिल रहे कहाँ गए गहने जो आया है वो जाएगा जो जाएगा वो आएगा मैं जूते खाएगा कोई कहीं नहीं जाएगा लॉटरी लॉटरी जानू पापा लॉटरी लॉटरी पापा मुझे इस पर शक है मुझ पर शक ना करना वरना मैं सबको बताऊंगी कि आपका बाप मुझे छेड़ते बाबा इधर आओ आपसे कुछ हिसाब करना मेरे पैसे वापस दो मेरा मैथ बड़ा कमजोर है मैं नहीं करना चुप रहो लॉटरी मेरे गहने कहाँ हैं मैं पापा को दिए थे बाबा को दिए थे बाबा को दिए थे ये ले अपने दिए कंजूस कहीं की अरे मैं ज्वेलरी के बारे में बात कर रही ज्वेलरी भूखी पहली मुलाकात में कौन कहने देता है मेरा तो लड़कियों पर से विश्वास उठ गया और मेरी हाथ ना उठ जाए शट अप शट अप बाबा चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो पहले गहने चाहिए पापा कुछ बोल दे क्यों नहीं एक मिनट एक काम करते हैं ना मैं ना कप्पू को फोन लगाता हूँ पिक अप द फोन यू कप्पू ये क्या फोन काट दिया फोन काट दिया मैं दोबारा लगाता हूँ पापा वो क्या फिर फोन काट दिया बदतमीज है
पापा। ये क्या हो रहा है? फोन क्यों काट रहा है? मैं फिर लगाता हूँ। यार जब वो बार बार काट रहा है तो दोबारा दोबारा क्यों कर रहे हो? काटो। एक मिनट मैं पकड़ा गया हूँ। मैं पकड़ा गया फिर। अरे आप पकड़े गए आप। Obviously. वो देखो क्या है। कुछ भी नहीं। हट 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 हट। कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है। कप्पू। आज यहाँ एक ऐसे खेल के खिलाड़ी आ रहे हैं जो शायद आप सबने हम सबने बचपन में खेला है, लेकिन ये लोग खास इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इस खेल में दुनिया के बाकी सारे देशों के प्लेयर्स को धूल चटाई है। प्लीज वेलकम कबड्डी के वर्ल्ड चैंपियंस मिस्टर अनूप कुमार, मिस्टर राहुल, मिस्टर मोहित चिल्लर, अजय ठाकुर एंड जसवीर सिंह। जोरदार तालियां हमारे चैंपियंस के लिए। पाजी हमारे चैंपियंस यहां पे हैं, पूरी दुनिया को हरा के इन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आपकी चार लाइनें हम सुनने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। दाव पेंच के ये बाजीगर, जरूरत क्या इन्हें हथियार की, दुश्मन थर्रा जाए ऐसी दहाड़ इनकी ललकार की। अपनी जीत से की है जिन्होंने मां भारती की आरती, दसों दिशाओं में गूंज रही है आवाज भारत की जय जय का। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। और हमें बड़ी खुशी है पाजी इस बात की कि कबड्डी जो है, कबड्डी बड़ा पॉपुलर गेम रहा है हमारे हिंदुस्तान का, तो सबसे पुराना गेम है और इन लोगों ने उसकी शोभा और बढ़ाई है। और ये आज वर्ल्ड कप जीत के आए, उसके पहले बहुत सारी चैंपियनशिप जो है अपने नाम कर चुके हैं। आप सबको आपकी सारी जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हमें आप पे गर्व है और हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाजी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्या चेंज आता है लाइफ में, कुछ बदलता है वैसे? देखिए चेंज हो जाता है सब कुछ, मुझे तो लगता है। अच्छा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे लाइफ टाइम तक, मतलब हमारे नाम के आगे हमेशा लगेगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन है। जी, तो बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। तो आपको सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला आपको क्या लगता है आपकी किसकी टीम के साथ था? हमारा कड़ा मुकाबला कोरिया के साथ, काफी टफ मुकाबला था। फर्स्ट मैच था हमारा, ओपनिंग मैच, उसमें हम लोग हार भी गए थे, लूज हो गई थी इंडिया 2 पॉइंट से। उसके वो तो चौड़े हो गए होंगे फिर कि हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जीते तो फिर मिले आप कोरियन खिलाड़ियों से? कोरियन खिलाड़ियों से मिले तो सही, वो बहुत ज्यादा खुश थे हमें हराने के बाद, काफी खुशी थी उनके चेहरे पे। जब आप वर्ल्ड कप जीत गए फिर? उसके बाद मिले नहीं शायद हम, वो शायद पहले चले गए होटल से चेकआउट कर। जब हमारे प्लेयर्स ने ईरान को हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम किया तो हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर बच्चन साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, शाहरुख खान, आमिर खान, सब ने इनको ट्वीट करके बधाई दी। अच्छा, जब आप बच्चन साहब को रिप्लाई कर रहे थे, आपके दिमाग में आया था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिले? लोग सपाट, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज आप हमारे शो में आए। अच्छा पाजी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बेसिकली जब हम लोग किसी खेल की शुरुआत करते हैं, सपोज आपको पाजी क्रिकेट का शौक है तो आपके पास फैसिलिटीज होंगी, पापा ने बैट ले दिया। कबड्डी ऐसी गेम है, आपके पास अंडरवेयर होना चाहिए, आप शुरुआत तो कर ही सकते हो। तो ये आपने ताकत की वजह से कबड्डी शुरुआत की थी? बचपन में कपड़े कम थे क्या, मतलब क्या था माहौल? उतने से गांव में सभी कबड्डी प्लेयर्स थे। अच्छा, गांव में तो ऐसे ही देख देख बचपन में जाते थे ग्राउंड। ओके, तो देखते अपने बड़े अपने सीनियर को खेलते हुए, तो हमने भी शुरू कर दी कि यार हमें भी ऐसे ही खेलना है। बहुत आपने बहुत नाम रोशन किया हमारे देश का। भाजी कबड्डी को ना हमारे देश में भी, जैसे पंजाब या नॉर्थ साइड के लोग कबड्डी बोलते हैं, वैसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में से साडू गुडू बोलते हैं, साडू गुडू। कोरिया में से पिटू किटू बोलते हैं। साडू पिटू क्या है? साडू गुडू बोलते हैं, आप चेक कर लो गूगल पे। कबड्डी साडू पिटू, साडू गुडू। जैसे महाराष्ट्र में हुतू तू बोलते हैं, बंगाल में बोलते हैं हाडूडू, आंध्र प्रदेश में छेडू। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अपने देश में तो जब हम खेलते, चलो ठीक है,
जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो दूसरे देशों, वो क्या बोल के आते हैं? मतलब आप तो कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। वो भी मतलब बोलते कबड्डी है, पर थोड़ा तरीका अलग, जैसे कबड्डी कबड्डी मतलब थोड़ा 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 सा डिफरेंट। जैसे ब्रिटिश लोग तो बोलते ना कैबडी 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 ऐसे ही ऐसे। अच्छा पाजी, ये बात सच्ची कि आप, मैं मेरे मन में क्यूरियोसिटी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जैसे आप सांस आपकी टूटने से पहले आपको उनके पाले में जाके उनको छू के वापस आना है, अगर उसने रिक्वायर्ड टाइम में आप नहीं छू पाए फिर भी आपको वापस आना है, तो जो सांस टूट जाती कभी कभी, किसी की तो टूटती होगी, ऐसा तो नहीं होता होगा कि नहीं टूट जाती है? टूट जाती तो पता चल जाता सबको? नहीं पता नहीं चलता वैसे, क्योंकि मूवमेंट में रहते हैं ना, बॉडी मूवमेंट। एक्चुअली हाँ, जिसको भी सांस ले लियो कबड्डी 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 कैसे पता चलेगा? अच्छा मैंने बातों बातों में नोटिस ही नहीं किया, ये अपने सामान उठाने वाले को भी साथ लाए कपिल शर्मा मेरी बात सुनो यार, मैं आपको सामान उठाने वाला लग रहा हूँ तो तुझे क्या लग रहा है ये टी शर्ट पहन के तू कोई भूटान का प्रिंस लग रहा है? तेरे को शर्म नहीं आती वर्ल्ड चैंपियंस के साथ आके बैठा हुआ है? शर्म किस बात की, मैं कौन सा नंगा बैठा हूँ? तो और शर्मा जी मेरी बात सुनो, आराम से रहना, मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ बहुत बड़ा, एक मिनट में आपको यहीं पर चित कर दूंगा आपको। ऐसे हाथ ना मार, टूट जाएगा तेरा ये। इसके घुटने देखो पाजी। अच्छा इसका ध्यान पाजी घुटनों की तरफ ही जाता है, और भी बड़ी चीजें लगी हुई है मुझे। तेरे को पता है ये देश के लिए शर्म की बात है, घुटने ढक के आकर ऐसा लग रहा है हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी चल रही है। देख कैसा तेरा मुंह, तो तेरे घुटने से भी बुरा वैसे, पर तुझे कबड्डी कहाँ से आ गई? आप ये दुकान से सामान उठा के भागने को कबड्डी नहीं कहते, उसे चोरी कहते हैं, कबड्डी ये खेलते हैं। अच्छा पाजी मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, मैं तो मतलब मेरे घर में तो लड़की वाले देखने आते थे ना मुझे, तो मैं उनसे भी चाय के पैसे ले लेता था। तुझे पता है ना रिश्ता तो होना नहीं, पैसे तो, तेरा तो पैसे लेने बनता नहीं, तेरे तो मुंह पे चाय थूक के गए थे वो लोग। बदतमीज आदमी आ गया ये तो। आप शर्मा जी बातें बना रहे हो, मैं बता रहा हूं। तो बातें बनाएंगे और क्या करेंगे, इतना बेवकूफ आदमी ना बाजी, शुरू से ही अकल नहीं। मैं तो बचपन से जानता हूँ ना, बचपन में बोलते ना मम्मी चलो बेटा चलो निक्कर पहनो, कहता है ये लो पहना दो निक्कर, इधर पहनते इधर कौन पहनता है? इनको बोला मम्मी ने निक्कर पहन लो, कहते नहीं मम्मी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा बचपन में क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या कोई फर्क? अच्छा बच्चे को भूख लगती बच्चा खाना मांगता है, मम्मी खाना दे दो, सोच ही भिखारी वाली माँ को कहता था। चलो भाजी मैं मांगता तो था, ये तो खाना लूट कर खाते थे। भाजी मैं इसके कॉन्फिडेंस की बात बताऊं, इसका कॉन्फिडेंस इतना लो है अपनी शादी में भी ये खाना नहीं मांग पाया ढंग से, उधर बराती खा रहे थे उनको अच्छा आपको पक्का यकीन है मुझे कबड्डी नहीं आती? मुझे 100% यकीन है कबड्डी दूर की बात है, तो एबीसीडी भी नहीं आती मेरे को लगता है। वो तो मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए नहीं आती। तो का खा घा सुना दे चल। वो मेरी हिंदी कमजोर है। कमजोरी के मरीज तेरे में है क्या मजबूत मेरे को बता। मेरा इरादा बड़ा मजबूत है। चलो ठीक है मेरी बात सुनो। सर आप ना थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि कैसे कैसे खेलते हैं तो सर, मेरे को तो ऐसे लग रहा मारने आ रहा है इधर। चंदू तूने भाग के आना और छू के वापस भागने की कोशिश करनी, ठीक है? बस 30 सेकंड के अंदर अंदर। लाल चड्डी को पहनी तूने, तेरे को लूज मोशन है। चला रेड न्यू, आप रेड। अच्छा क्या करना, मैंने आके भाग के आना, छू के भागने की कोशिश करनी है, उसको छू के वापस भागना है। छू के वापस भागना है, पर आपने भागने नहीं देना। चलो वो उनकी मर्जी, वो देखेंगे। हाँ चलना। ओए टांगे बहुत गंदी रखी, उतार के रख दे बहुत ज्यादा, ढंग की टांग होती तो एक्सपोज करता, क्या ये? ऐसे तो कोरिया वाले ग्लूकोस लगाना हो तो मिले ना कुछ लगा, कहाँ आराम से। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है तेरी टांगे। हाँ जी आ जाओ जी, ना मार मैं कहता टूट जाएगा ना कर। तेरी बात सुन, क्या लगा था
कि तुझे क्या लगा था जो पूरी दुनिया को हरा के आए हैं तो तेरे से हारेंगे। तेरे को कुछ शर्म चाहिए, तेरे को आके किसी से भी आके माथा लगा ले, तो तेरे भगवान को जान देनी है। क्या करूं अब, मेरा दोस्त है, तेरे को कितनी बार कहा ये इस पे लेमिनेशन करा पहले से। इतने गंदे घुटने मैंने बेटे आज तक नहीं देखे यार। मेरे को समझ में नहीं आती आप मेरे को इसको गंदा क्यों कह रहे हैं, आपने चुम्मियां लेनी है इसकी। क्या क्यों क्यों गंदे आप कह रहे हैं आप भाई? ये जो तेरे घुटने हैं ना 1990 में मैंने जीरो बनाया था उससे भी गंदे हैं। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं कहता हूँ जा अच्छा सा हार्ट अटैक देख के मर जा। जाना अभी भी कैसे करें? जाना ही पड़ेगा। मैं हिम्मत की दाद देता हूँ, वर्ल्ड चैंपियन आए आके पे 5 रुपए की निक्कर लेके आगे बैठ गए। निक्कर तो फिर भी ठीक है, बीच में बंसरी जैसे टांगे हैं। जा चला जा चल। सर मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बात सुन बात सुन। चंदू चंदू मैं तेरे को बात बोलनी भूल गया। आई लव यू। लाना था तेरे पे जा। छोटे छोटे सवाल आते हैं ऐसे, कोई भी हम लोग खेल देखते हैं, जैसे मॉडलिंग करती हैं लड़कियां, लड़के मॉडलिंग करते हैं, कई बार वार्डरोब मैलफंक्शन हो जाता है, कभी कपड़ा इधर से गिर गया, बीच में न्यूज़ में भी आया था। हालांकि वो तो चुपचाप अपने रैंप पे चलते हैं अकेले, कोई किसी को तंग भी नहीं करता। इधर तो आपने पूरा जकड़ना, एक दूसरे को पकड़ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे आपने किसी को पकड़ा लंगोट आपके हाथ में आ गया प्लेयर? बिल्कुल हो जाता है, हो जाता है। इस समय हो जाता, उस समय तो प्लेयर भागता होगा। उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और प्लेयर जो होते हैं ना बाकी। अच्छा दूसरी कई बार हो जाता है, मतलब इज्जत के मामले में दोनों टीमें साथ कवर कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है भाजी। वैसे कबड्डी में जिसकी ज्यादा हाइट हो वो उसका ज्यादा फायदा रहता है कि क्योंकि लंबा अगर आदमी तो लकीर पे हाथ जल्दी पहुंच जाता है, छोटा है तो उसकी टांग नहीं पकड़ में आती, तो ज्यादा फायदेमंद कौन रहता है, ज्यादा लंबा आदमी के? फायदेमंद दोनों आदमी में क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें क्वालिटी चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। भी अजय ठाकुर काफी लंबे हैं जी और जसवीर काफी छोटे हैं, पर जसवीर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अजय भी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो टैलेंट की बात होती है। अच्छा अनूप कबड्डी टीम के तो कैप्टन है ही, ये इंस्पेक्टर हैं बकायदा पुलिस में है, तो आपके इलाके में तो बदमाश करते नहीं होंगे बदमाश? उनको पता इंस्पेक्टर खुद ही बड़ा भागता है। हाँ। देगा। ऐसा होता है कभी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बाकी पता है सबको कि पुलिस में जॉब करता है मेरे आसपास अभी तो। अच्छा वैसे मेरा नेचर थोड़ा सॉफ्ट ही है। अच्छा मतलब डरने की कोई बात ही नहीं, कोई नहीं डरता ऐसे। अभी सॉफ्ट हो तो वर्ल्ड कप ले आए, वो थोड़ा हार्ड होता तो फिर क्या करते आप? राहुल को ना अपनी इंडियन कबड्डी टीम का पोस्टर बॉय कहा जाता है, ये क्यों? मतलब आपकी कबड्डी अच्छी आती है आपको कि आपकी फोटो अच्छी आती है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता क्या अच्छी लगती है। ये उसको क्यों पूछ रहा है, ये तो लड़कियों से पूछ, छोरियों से पूछ, पोस्टर बॉय तभी लगा। राहुल अभी बैचलर हैं, लड़कियां कितनी खुशी होती है। तो मतलब अच्छा आपको कभी ऐसे, मैंने कभी पोज करते हुए देखा इनको, आज ऐसे ही करते हैं कि अगर आपको कोई फिल्म ऑफर होती है, आप माशाल्लाह बड़े हैंडसम हैं, तो आपको किसी फिल्म के लिए पोजिंग करनी पड़े, आज 2 मिनट चेक करते हैं ऐसे ही। राज दादा आओ जरा। राज दादा आपको फोटो खींचनी, ये पोज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोज करने हैं आज, वो करो जो कभी नहीं करते। एक दो तीन ओए चार पांच तो याद नहीं रहा, छह पांच एक सात थैंक यू राहुल, थैंक यू दास दादा। अनूप आपकी तो शादी हो चुकी है, हालांकि ये इस बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो आपको अलग अलग भाषाओं वाले जो है लोग मिलते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? दोस्ती होती है आपकी दूसरे प्लेयर्स के साथ? दोस्ती हो जाती है, बस फीलिंग समझ जाते हैं एक दूसरे की, बाकी इंग्लिश हमारी भी बहुत कमजोर है और उनको भी हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, जी 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 प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी समझ जाते हैं। जैसे फैजल ईरानी प्लेयर, अच्छा मेरा काफी अच्छा दोस्त है वो, अच्छा लीग में भी खेलता है हमारे साथ, ओके मतलब समझते नहीं है ज्यादा, पर फिर भी मतलब अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, पता नहीं क्यों। तो लड़कियां आती वहां पे मैच देखने कबड्डी के? हां बिल्कुल लड़कियां तो आती है। चलो आपकी तो शादी हो गई राहुल,
बताओ भाई राहुल, आप तो जसवीर तो हो गए कॉम्पिटिशन से बाहर। हालांकि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं हमारी शादी हो चुकी है। पर वैसे फिर क्या जो फीमेल फैन फॉलोइंग है आपकी, वहाँ पे लड़कियाँ जब आपको मिलती हैं आपको बोलती होंगी कि लेट्स गो फॉर ए कॉफी, जाते हो कि नहीं? नहीं नहीं, कॉफी पी नहीं जाते। बताना कितने कप कॉफी पी चुके हो? किसी साथ कॉफी नहीं पी अब तक। इतना हैंडसम लड़का है, वर्ल्ड चैंपियन है, ये तो चलो हो गया झूठ, अब सही सही बताओ। सही में नहीं पी पाजी नहीं, बड़े शरीफ प्लेयर है यार हमारे, हमें आप पे बहुत गर्व है। इधर देख कौन बैठा है। सब तो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। कॉन्वर्सेशन बहुत बहुत बधाई आपको। कॉन्वर्सेशन ज्यादा पास मत जा कबड्डी वाले, हाँ वहीं धर दबोच लेंगे तेरे को। अगर हम इनको धर दबोच लिए तो हमारा सांस है ना इनको देख के थोड़ा थोड़ा फूल रहा है, हमें डर लग रहा है। हमारे मोहल्ले की ननद भाभी है, ये रिंकू भाभी है, ये संतोष है, दिवाली पे जुए में अपनी गर्दन हार गई थी। ये हमेशा उल्टे सुलटे काम करती है, इसने परसों लंबी वाली है अपने पति की फोटो डाल दी इंटरनेट पे। अच्छा? कहती हमें स्टूल दे दो बदले में ये ले जाओ। तो क्या करेंगे, सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, पंखा भी ऑन ऑफ नहीं करते हैं, और हमारा भी बटन तक हाथ पहुंचता नहीं है, तो हमको स्टूल तो चाहिए ही ना बटन बंद करने के लिए। आपके हस्बैंड काम कुछ नहीं करते? करते हैं ना, सारा दिन बच्चा पैदा करने का योजना बनाते रहे। योजना का तो ऐसा है कि पेपर वर्क कर लिया, हुआ उधरा कुछ नहीं। नहीं लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे भैया से उतना खपा नहीं है जितना आप लोगों से खपा है। अरे सच में कहती है कि आप लोगों के वजह से इनका बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों? हमने क्या किया? हमने क्या किया? क्या बताए? इनके भैया आप लोगों के बहुत फैन हैं, सारा दिन कबड्डी का मैच देखते रहते हैं, और जैसे आप लोग छू के भाग जाते हैं हमको छू के भाग जाते हैं। तुम पकड़ लिया करो, मर्दों जैसी ताकत है तुम्हें। हाँ पकड़ सकते हैं, लेकिन क्या है वो कबड्डी का फैन है, और जो फ्रॉग जंप होता है ना वो मार के निकल जाता है। अगर हमको ये लोग आए हैं, आए धुरंधर लोग, हमको अगर फ्रॉग जंप सिखा दे तो हम पकड़ ले, फिर अगली बार जब आएंगे तो भतीजा होगा आपका भी। ठीक है, आजे सिखाता है, आजे सिखाएगा। आजे सिखा भाई। शादी हो गया? नहीं तो फिर मत आओ। कैच करो, हमारा घर में बहुत मच्छर हो गया, कैच करके निकाल देंगे क्या?
नहीं चल आप... हाँ वो बताइए प्रोग्राम क्या करना है. जैसे आपके हस्बैंड आते हैं ना. हाँ जी. तो उनको ऐसे पकड़ना है. अच्छा कैसे? ऐसे ही. अच्छा ठीक. बस पकड़ के बैठ जाना है. बस. और वो फ्रॉग जम मार गया नहीं तो? मारेंगे ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाना. कैसे फ्रॉग जम मार ऐसे लेंगे? कैसे बैठना ऐसे 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 बैठो रहना. अच्छा हम ट्राई करते हैं भाई. इनको ज्यादा हिलाओ डुलाओ मत. ज्यादा हिल हुल गए ना बाद में मर्द बन जाएंगे. अभी मान लीजिए आप हमारा मर्द है. आप जा रहे हैं हम आपको पकड़ेंगे. हाँ ठीक है उधर जाइए. अभी आप जाइए. इसके अंदर डड्डू किधर है? डड्डू भी आएगा. फ्रॉग तो बताओ. वो आपके ऊपर कूदेंगे ना. कैसे कूदेंगे? कबड्डी सिर्फ देखते हैं खेलते नहीं. ऐसा है ऐसा मार. फिर ऐसे कूद जाएंगे. आपकी शादी हो गया? नहीं हुआ. हम तलाक लेके आपसे कर ले. नहीं ठीक है हमको गेम ठीक लगा कबड्डी. और तुम फ्रॉग जंप मत सीखो. पहली औरत है फ्रॉग जंप करते हो कंगारू लगेगी. पहली सुनना. क्या होता है? हमारे भौजी के बारे में एक ऐसा शब्द नहीं सुनेंगे हम. तो क्या हो गया इनका सकल लोमड़ी जैसा है तो? तो क्या हुआ इनका सकल मरद जैसा है? उद बिलाव जैसा है? बागड़ बिल्ले जैसा है तो क्या? जो तो चार उनके मन में बात नहीं है वो भी तू डाल दे. हम तो 50 नाम और ले लें लेकिन आपके आबरू पर ऐसा आँच नहीं आने देंगे हम. आप लोग बताइए कि जो कबड्डी का खेल है इसमें इतना देखिए आप दिखाए अभी इतना ऐसा भागा दौड़ी ऐसा कूदना पड़ता है. बहुत चुस्ती फुर्ती वाला खेल है. तो हमें लगता है कि आपको जो है हमारा ये जो घी है ये खरीदना चाहिए. क्या खासियत है इसमें? ज्यादा जानकारी चाहिए ना तो हमारा वेबसाइट पे लॉग ऑन करो. हमें आप टाइम पास करने के नहीं आए हैं समझे. हमारा वेबसाइट है www.ghimail.com. तो कुछ भी नहीं है हमारा घी अल्कोहल फ्री भी है. 1 किलो घी के साथ 1 पौवा जिनका फ्री. जिनका किनका? जिनका जिनका. वही तो पूछ रहे हैं किनका. अरे जिनका. किनका? अरे पागल औरत. अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता है का? जिनका जिन पीने का जिन होता है. जिनका 1 पौवा जिनका फ्री. और तो पूछ रहे हैं किनका. तो ये सब बातें आप हमारे प्लेयर्स को क्यों बता रही हैं फालतू की बातें? हमारा मार्केटिंग नहीं हो रहा है. हम घी बना के बैठे को खरीद नहीं रहा. भैंसिया हमारी तरफ देखती है कहती है घी बिका क्या? अब हम क्या जवाब दें? अब ये बल चैंपियन है ये लोगों को बोलेंगे कि कबड्डी के प्लेयर हैं घी खा लो तो लोग खा लेंगे. जरा एडवर्टाइजमेंट कर दे तो हमारा भला हो जाएगा. देखिए ये जो है घी का नाम भी आप पे ही रखे हैं हम चैंपियन घी. और इसका एडवर्टाइजिंग भी ऐसा पूरी तरह से तैयार है. बस उसका एडवर्टाइजिंग का एंड में आपको ऐसे ना के बराबर एक्टिंग करना है. ना के बराबर कैसी एक्टिंग होगा? ना के बराबर तो होगा ही नहीं ना. हाँ के बराबर हो जाएगा. जिनका काम है वो कर लेंगे. जिनका काम है? जिनका है उनका है. ओए तो पूछ रहे हैं फॉर्म पे अंतर. हम अबला पे सब गुस्सा करते हैं. सब गुस्सा करते हैं. तो आप किनको ऐड करवाना चाहती हैं? इनको कि किनको? जिनको आता है वो करे ना. उसको बीच में बोल रहे हो. जिनको किनको? इनको. अरे आप शुरू मत हो जाइए. हम चाहते हैं कि एक ऐड कीजिए. ये हमारा घी है तो आप जरा आगे आ जाएंगे. आप सभी सब लोग आ जाइए. बिल्कुल सब लोग आ जाइए. एक गला में पहन लीजिए. गला में गांठ बांध लीजिए.
गला में गांठ बांध लीजिए, गला में गांठ बांध लीजिए। घूम जाओ। हाँ, मैं पहले बहुत ही कमजोर और पतली हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसी। फिर मुझे मिला चैंपियन घी और आज देखिए मैं मोटी ताजी और तगड़ी हो गई हूँ। पहले मैं बहुत ही बदसूरत हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसी। फिर मैंने खाया चैंपियन घी, अब मेरे चेहरे पे आ गया है ग्लो। लोग कहते हैं मुझे जाते हुए देखो जा रही है जीजा की साली, ठोको ताली। रघुंडा से कितना हाजत ना खेल नहीं सका दू कबड्डी। दूर जाओ पास में आना। आ जाओ थोड़ी सिखा दिए फ्रॉग जंप। अरे तो क्या सिखाना चाह रहे हैं? फ्रॉग जंप। हाँ फ्रॉग जंप बिल्कुल। मक्खन मलाई सिखा देखिए तो तो बिना घी खाए ही ऐसा है, तो घी खाएगा तो कैसा हो जाएगा? थोड़ा जोश ज्यादा हो गया है। हाँ, तो लगता है फ्रॉग जंप मार और निकल ले यहाँ से। बिना अपने 10-10 रुपए वाली अनुक लेके जाओ पहले साथ में। थैंक यू, आपने हमारा एडवर्टाइजमेंट किया, हम चलते हैं, अभी भी ऑफर ऑन है। नहीं नहीं बता दीजिए, हम पीछे हैं बैक स्टेज, ठीक है? ओके। कबड्डी 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 कबड्डी। पाजी आपको पता है अनूप को बोनस का बादशाह भी कहते हैं। ऐसे क्यों पाजी, क्या मतलब बोनस ज्यादा लेते हैं आप दिवाली पे? क्या है ऐसी? नहीं दीपावली वगैरह पे तो नहीं लेता मैं, ग्राउंड में थोड़े ज्यादा बोनस लेता हूँ, इसीलिए बोनस का बादशाह कहा जाता है। इसको कबड्डी का MS धोनी कहा जाता है मालूम? अच्छा, क्योंकि ये कैप्टन कूल है, मतलब शरीर चाहे गर्म रहे दिमाग में भी गर्मी, लेकिन दिखता बिल्कुल कूल है, बिल्कुल सबके। पाजी जैसे अजय है ना, अजय एनिमल लवर भी है, इनके पास दो डॉग है, एक का नाम है पीटर, पीटर है, दूसरे का बादल, बादल एक का देसी रखा है। पीटर मतलब पीटर का पीटर क्यों रखा? टांग उठाने से पहले एक्सक्यूज मी बोलता है? नहीं वो मैंने जिनसे मैंने लिया था उन्होंने पीटर रखा हुआ था उसका नाम। अच्छा अच्छा, मैंने भी जब जंजीर जब लिया था अडॉप्ट किया था, ये मुंबई पुलिस के पास था पहले, तो ये मराठी समझता था पहले। हाँ। पहले मेरे को 2-3 दिन मराठी के वर्ड सीखने पड़े, इकड़े इकड़े इधर, अभी पंजाबी हो गया है। तो बीच में अपनी टीम में से कोई यूपी से भी है, कोई असम से है, वो कन्फ्यूज हो गया, अभी वो जवाब नहीं देता। अरे तुम लोग एक भाषा सीख के आओ, मैं कुत्ता होके सारी सीख रहा हूँ। जसवीर को एक और टाइटल दिया हुआ सबने नवाब। अच्छा तो नवाब तो मैंने जहां तक सुना है वो ऐशो आराम से खाना पीना जिंदगी जीते, ये बेचारा जी तोड़ करके अपनी टीम के लिए पॉइंट्स बनाता, आपको नवाब क्यों कहते हैं जसवीर? मैंने तो ये भी नहीं पता नवाब नाम क्यों दिया है, तो मैं आराम से रेड मारने के लिए जाता हूं, तो बोलते बिंदु नवाब की तरह रेड मारता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप आराम से क्यों जाते हैं? मतलब नहीं मेरे से कोई टेंशन नहीं होती, मैं पहले देखता हूं 10-15 सेकंड में देखता हूं डिफेंस को और फिर फास्ट रेड मारता हूं। अच्छा मतलब हमारी रेड का 30 सेकंड का टाइम होता है, 30 सेकंड तो ये जो इसकी स्टार्टिंग होती है ना एंट्री जो करता है दूसरे के अपोजिट ग्राउंड में, इसकी वो एंट्री नवाबों जैसे। अच्छा मैं एक ना आपके साथ रैपिड फायर करना चाहता हूँ कुछ सवाल, क्योंकि आप सालों से एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे के बारे में काफी बातें पता होंगी, आप सब में से पूरी टीम में से सबसे ज्यादा आलसी कौन है? आलसी भाई साहब है, भाई साहब तो बहुत ही आलसी है, उनका तो मतलब के अजय लाइट बंद कर दे यार, ऐसे बैठे होंगे सामान यहाँ पड़ा होगा मैं वहाँ पे होऊंगा, अजय यार पकड़ा दे, अजय यार मैं इनका रूम पार्टनर हूँ, मतलब मेरा रूम पार्टनर रहता है। अच्छा मैं इनका रूम पार्टनर हूँ, सारी बात। कैप्टन होने का थोड़ा फायदा ले लेते हैं। हाँ बहुत। बाथरूम में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? राहुल। राहुल सही बात है, ये बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाते हैं आप। इनको कैसे पता मैं रूम पार्टनर था? आपने किस बिहाफ पे? अभी हम आ रहे थे ना इधर सर, तो आते समय देखा गाड़ी बाहर खड़ी रही, 1 घंटा बाथरूम में पड़ा रहा था। फोन पे कौन ज्यादा बिजी रहता है वैसे? अजय।
कैसे बिजी रहते हैं फोन पे? ऐसे ही कोई वीडियो देखता रहता हूँ, सबसे ज्यादा तो हम आपको देखते हैं जी। अच्छा, बिल्कुल यार, बड़ी हम जब भी मैच के लिए जाते हैं, कभी भी, अभी हम वर्ल्ड कप के दौरान हम मैच के लिए जाते थे, तो भाई साहब के मोबाइल बिल्कुल आपकी वीडियो कितनी भी है तो हम लगाते देखते फुल। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। आपका ऐसा कोई शो नहीं होगा जो हम लोगों ने नहीं देखा होगा, कोई भी, कोई भी। या बड़ी खुशी की बात है, आप हमारे देश के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में अगर आप हमारा शो देख के थोड़ा बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, हमारे लिए बड़ी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा सर। क्या बात है। अच्छा, आपके फैंस यहाँ पे हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आप जो भी आप पूछना चाहते हैं एक एक करके खड़े हो जाइए। हेलो एवरीवन। हाय, मेरा नाम शफक है और मैं वासेपुर धनबाद से हूँ। शफक, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। शफक अली। शफक अली जी। और मेरा सवाल मोहित जी से है, हमने सुना है कि आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ। और एक्शन भी आप दोनों बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, एक्शन नहीं करते, फैन हैं। पर क्या आप उनकी तरह डांस कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस फैन है उनके। ना डांस ना उनका एक्शन, बस फैन। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। माय नेम इज अशोक। हेलो कपिल, मेरा नाम अशोक है। हमने पूछा। जी अशोक जी। हेलो अशोक जी, कहाँ से आए आप? उल्लासनगर। उल्लासनगर से जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा क्वेश्चन आप चैंपियन से है सर, आप सबकी इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, बॉडी शॉडी बनाई आपने, आप मुझे भी कुछ टिप दीजिए ना। सुनो, तुम सवेरे दोपहर शाम देसी घी के टीके लगाओ। सर फिर भी इंजरी नहीं बनेगी। आप लेकिन टीम में जा सकते, पता है? आपको कोई रेड मारने आएगा ही नहीं आप पे। सब कहेंगे रहने दो यार, कहीं गिर ना जाए। नहीं नहीं, पर अच्छा, आप मतलब बॉडी बनाने के टिप्स? यस सर। तो क्या करते क्या हैं आप अशोक जी? ड्राई फ्रूट का बिजनेस है। ड्राई फ्रूट? और फिर भी ऐसे आप सर, ड्राई फ्रूट का बिजनेस? और ड्राई फ्रूट मेरे जाते तो सारा बेचा मत करो ना, थोड़ा खा भी लिया करो। पर आप फिट हैं वैसे, मतलब अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा, तो आप कबड्डी कबड्डी कितनी देर तक बोल सकते हैं बिना सांस टूटे हुए, ऐसे बोल के बताइए? 50 seconds। आइए आप, अशोक जी आइए जरा। तो साथ साथ में आपने हिलते जाना, ठीक है? कोई साथ में जसवीर आप आ जाओ, आपको नहीं, मैं आपको पकड़ूंगा भी ना, फिर कबड्डी बोलना। इधर आ जाओ आप, आपने उनके पास जाना है, कोशिश करनी है कबड्डी कबड्डी बोलते रहना है, पर जब इनका सांस टूट जाएगा उसके बाद आप पकड़ना, पहले ना पकड़ना, आप पहले पकड़ो। ड्राई फ्रूट की दुकान है, खुद नेजे जैसा है। बोलो बोलो कबड्डी बोलो। उधर तो देखो। वो पीछे आ गए ना, पीछे। बीच में सांस ले लिए। अशोक जी, थैंक यू। आपने क्या करना है सुबह? ये कटोरी भर के ना ड्राई फ्रूट की। ये लीजिए आपका माइक। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक बोल रहा है यार, ये हाथ दबा कड़ी 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 कड़ी। कबड्डी खेलते आप? हाथ नहीं लगाने देते ना किसी को, वो पकड़ा हुआ कहते ना कबड्डी। ये छोटी सी कहाँ आई है, इतनी छोटी, किसको क्या समझ आ रहा है? बेटा कहाँ से आए आप? इसको माइक दो छोटे बच्चे को। कहाँ से आए आप? ओए होए, गोकुलधाम। हैं? गोकुलधाम। गोकुलधाम से? हाउ ओल्ड यू आर? 5। 5 साल के हो आप? हाँ। तो किसके साथ आए बेटा आप? सुफियान दीदी की। सुफियान के साथ? सुफियान क्या लगते हैं आपके? अब्बा। तो बेटा अब्बा बोलो ना सुफियान से दीदी। सुफियान हमारे बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं। अच्छा, आप उनकी बेटी हो, बड़ी प्यारी हो आप तो, मैंने पहली बार देखा आपको। थैंक यू बेटा, आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। किस बात की खुशी मना रहे हैं आप?
इग्नोर भैया। वाइफ वापस आ गई आपकी, क्या हुआ? देखो सिद्ध साहब, कैसे आदमी है ये कपिल शर्मा। हाँ। ये ना किसी की शादी में भी जाएंगे ना वहां भी शोक संदेश देंगे ये, ना? क्योंकि किसी की खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं होती ना। हाँ। भाई मैंने वर्ल्ड कप जीता है, ये वर्ल्ड कप है मेरे हाथ में। यस। अरे बधाई हो आपको। आइए बैठिए इधर, आइए इधर। देखो ये होते हैं वर्ल्ड कप जो जीत के लाते हैं आपके। ऐसे कौन दिखाता है कि कौन वर्ल्ड कप जीत के लाते हैं भाई? वो जीत के आए हैं वर्ल्ड कप, झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आई एम वेरी हैप्पी। व्हाट अ हुत टुडे, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। ये निकर पीछे से जातियां मार रही है डॉक्टर मिश्र गुलाटी। अरे तेरी निकर दो जगह से जातियां मार रही है। वो खेल कूद में हो जाता है तो घसीटते हैं ना। But I was telling you, I am Dr. Mashuk Lati, CFWC. CFWC kya matlab? Itni baat nahi pata tumko. Abhi congratulations for World Cup. Ab ye bhi matlab batana padega. It is the basics of it. But aapko pata hi chal gaya hoga ki main kabaddi ka kitna shaukeen hoon. Kabaddi is my passion. Oh. Isiliye maine ye पैशन की वजह से वर्ल्ड कप जीता है। डॉक्टर साहब मुझे पता है वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, बट उसके पीछे एक रीजन है। आपने तो ईरान को हरा के वर्ल्ड कप जीता है ना। मैंने तो वो हमारी जो टीम है इधर नाले के पास पीछे उसको हराया है ना। आवर गेम इज वेरी डिफिकल्ट यू सी। हमारे गेम में ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। आप में सांस छोड़ नहीं सकते, हम लोग सांस ले नहीं सकते, कोई नाला बदबू बहुत है। ये इक्विपमेंट है, ये लगाना पड़ता है आपको चलते हुए, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे हम लोग तो फिर बेहोश हो जाएंगे। बट यू नो सी, मैं जीत नहीं सकता था गेम, बट रूल नंबर 3 की वजह से मैं जीता। वो क्या है 3 नंबर? क्या रूल नंबर 3 है? भी जो पहले कप लेके भाग जाए कप उसका। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे डॉक्टर होने के साथ साथ कुछ फर्ज बनते हैं। आई वॉन्ट टू डू योर टेस्ट। और आपकी टीम का क्या करना है इनको? वहाँ नाले पे कुत्ते घूम रहे हैं, उनके साथ खेलो जाओ, यहाँ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। लीव माई किट हियर माई डियर, गेट आउट। तुम लोगों को अलग से रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा मेरे को। So, मैं आप लोगों का टेस्ट करना चाहूंगा। कैन वी प्लीज स्टैंड हियर एंड स्टैंड हियर। आइए आप यहाँ आइए। ड्रेस आपने बहुत अच्छी पहनी है। थैंक यू सो मच। ये पीछे इतना अच्छा ये डिजाइन है आजकल ना। मजबूत है भाई। मजबूत है, मैंने दो नाड़े लगाए, मेरे को पता है तुम्हारा, तुम खींच सकते हो। हमारे हमारे घर के लोगों का पता है। आप आइए प्लीज, आप भी आइए। आप सारी टीम का कोऑर्डिनेशन टेस्ट होगा। एज अ डॉक्टर दिस इज माय ड्यूटी टू चेक एवरीवन। मैं आप लोगों का कोऑर्डिनेशन टेस्ट कर लूंगा। आप अपना हाथ पकड़िए प्लीज, एक दूसरे का हाथ पकड़िए क्विकली, वी डोंट हैव मच टाइम। दीज आर द स्टरलाइज्ड थर्मामीटर। ये थर्मामीटर है, आप इसको मुंह में रख लीजिए प्लीज। मुंह में क्यों? और थर्मामीटर कान में तो रखेंगे नहीं। किस चीज का टेस्ट है ये? आप रखिए। मैं बताता हूँ, मैं थर्मामीटर स्टरलाइज है, चेक किया हुआ है, साफ सुथरा थर्मामीटर। साफ है ना? बिल्कुल साफ है, आप रख सकते हैं। आप हमारे देश की शान है, आपके मुंह में गंदी चीज थोड़ी देंगे। आप रखिए। थर्मामीटर क्यों दे रहे हैं डॉक्टर साहब? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। यू नो, इससे पता चलता भी मेडिकल टेस्ट हो रहा है, वरना लोग मानेंगे नहीं ना बिना थर्मामीटर के। और मैं जाकिर हुसैन तो हूं नहीं जो उनके मुंह में तबला रखूंगा, डॉक्टर हूं ना तो थर्मामीटर ही रखूंगा ना। एंड देयर इज वन मोर रीजन बिहाइंड इट, प्लीज आप रखिए ना। ये थर्मामीटर चबाना नहीं। ये थर्मामीटर
हमारे हॉस्पिटल में कुछ 25-30 साल से पड़े हुए थे, पता नहीं चल रहा था अभी चले हैं कि नहीं चले। तो मैंने कहा अब तो जरूर चलेंगे, आपको हम ही मिले ये चेक काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी जरूर चले। कबड्डी प्लेयर है, काम कैसे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। ओके, सो कोऑर्डिनेशन था, प्लीज होल्ड इट एंड यहाँ से वेव लेके जाइए, वहाँ पे लेके जाइए। This is medical prescribed. यहाँ से आप जैसे मैंने आपको पकड़ा है, यहाँ से लेके जाइए, उधर जाइए, आप उठाइए और वापस भेजो। One, two, three, four. Perfect. उधर से आप जैसे कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है आपने टेक ऑफ कर जाना है। आई थिंक योर कोऑर्डिनेशन इज फाइन, या बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन जो नाला टीम है उसका आपसे बेटर है। हम आपको हराने का गद्दा रखते हैं, पता है आपको? गद्दा नहीं, मादा। हम लोग गद्दा ही रखते हैं, हमारे घुटने छिल जाते हैं, नीचे गद्दा रख के खेलते हैं हम। ओके, हर चीज मेरी गलत नहीं होती। तो फिर अभी इनको हरा के दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, क्यों ऐसे करना है? हम ऑलरेडी 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। नहीं नहीं, मैंने अब तो वर्ल्ड कप एक दिन में क्या जीतना। नहीं नहीं, मैच तो होगा ही अभी। नहीं नहीं, वो मना कर रहे हैं। क्यों कहां मना कर रहे हैं, उनका मूड है, वो खेल रहे हैं। बुलाओ, आप अपनी टीम को बुलाओ। डॉक्टर की टीम कहां है? भेजो भेजो डॉक्टर की टीम को, आप करो। नहीं खेलो अभी, आप खेलो ना, ना मना करना, बट अब खेल कर बताओ। चलो जल्दी आओ, ये आपकी टीम सारी। और तुम लोग भी आ गए। तू भी आ गया यहाँ पे। मैं डॉक्टरों के बहुत डॉक्टर बुलाने पे आ गए। आगे बकरे खेलो, 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 करते खेलो। हैं भाई, करते हैं, करते हैं। अरे आपकी आवाज क्यों चेंज हो रही है? डर करो, 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 करो। हाँ डर रहे हो, डर रहे हैं। अरे चलो भाई, बैटिंग कौन करेगा पहले? बैटिंग कौन सी होती है कबड्डी में? कबड्डी में कौन सी बैटिंग होती है? बैटिंग नहीं, कबड्डी। मैं अपनी टीम को चेक कर रहा हूँ। ओके, मेरे को भी पता बैटिंग नहीं होती। कपिल जी चलो भाई, गोल कहाँ है बताओ सर? ये इसमें गोल भी नहीं होता सर। हैं? इसमें गोल भी नहीं होता। मैं तेरे को भी चेक कर रहा था। ओके ओके, भाला लाओ। भाला कहाँ होता है? तू जा। मासी की शादी है जो बैंड में जा रहा है। अरे जाओ जाओ जाओ, क्या हो गया? जान रहे हैं अभी, खेलो कबड्डी। मेरे निक्कर पहले फटे हुए हैं। आप आएंगे कि मैं आऊं? I'm sorry. ये आप वर्ल्ड कप अभी विनर हो, अब जीते आप वर्ल्ड कप। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अच्छा लग ही नहीं रहा कच्चा गलत जगह पहना है। अच्छा लग रहा है सही जगह पे ही है। बिल्कुल। मेरी बात सुनो, ज्यादा तुम फालतू बात मत करो, अपनी सेल्फी लो और काम करो अपना। इधर कबड्डी किट लेके जाओ आप अपनी। या दिस इज माय मेडिकल किट एंड प्लीज
कभी भी कोई प्रॉब्लम हो कम टू माई हॉस्पिटल या ओके मेरा किधर है कहाँ जाना है हॉस्पिटल या एक बार हमारे चैंपियंस के लिए खुल के तालियां उन्हें पाजी एक सेल्फी हम अपने मेहमानों के साथ लेते हैं आइए आ जाओ पाजी सारे आ रहे हैं इधर इस तरफ ए हाँ थैंक यू ये मेरे भाई जिनका ड्राई फ्रूट का कहाँ है ड्राई फ्रूट वाले कहाँ गए अनूप ये खूबसूरत सा मोबाइल है तो आप और आप सबका धन्यवाद आप हमारे शो में आए और आपके आने वाले मैचेस के लिए फ्यूचर मैचेस में जहां जहां भी आप परफॉर्म करें आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आप ऐसे ही मेहनत करते रहें हमारे देश का नाम रोशन करते रहें ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई जरूर रखें मिलजुल के हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो For more updates, subscribe to our channel.